this topic, we will discuss about the reference electrode. Reference electrode is used to determine the electrode potential of other electrode. अब हमें सभी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता है. जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.56 वोल्ट है. सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.8 वोल्ट है. कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है 0.34 वोल्ट है. तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली गई है सभी इलेक्ट्रोड की, ये किसी इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के निकाली गई है. किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ इनको कनेक्ट करके निकाली गई है. और रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम के साथ हमने इनको कनेक्ट किया. इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते. एक इलेक्ट्रोड को हमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनानी पड़ेगी, गैल्वेनिक सेल. देन ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन वी कांट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड. सो टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड वी हैव टू यूज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम क्या है, to measure electrode potential of other electrode we have discussed two type of reference electrode, hydrogen electrode and Coulomb electrode. First hydrogen electrode. हम दो टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यहाँ पर जिक्र करेंगे. वैसे तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बहुत तरह के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में दो ही टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा है कॉलोमल इलेक्ट्रोड. पहले हम लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोड जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा, तो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन उस टाइम एनोड का काम करेगा या रिवर्स हो जाएगा. अगर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा, तो हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड का काम करेगा. तो हम दोनों ही कंडीशन में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी दोनों कंडीशन में स्टडी करेंगे, दो केस बनाएंगे. एक केस वो जिसमें ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का. एक वो जिसमें ये किसका काम कर रहा है, एनोड का. कैथोड का काम कब करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब इससे मोर रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हो. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जिस मेटल का मेजर कर रहे हो वो मोर रिएक्टिव हो. मोर रिएक्टिव होगी वो एनोड का काम करेगी, तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का. और एक कंडीशन जब लेस रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, जैसे कॉपर का सिल्वर का हम मेजर कर रहे होंगे, तो उस टाइम जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो किसका काम करेगा, कैथोड का. तो उस टाइम हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो किसका काम करेगा, एनोड का. तो दो केस बनेंगे, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है और एनोड का काम कर रहा है. हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहे कैथोड का काम करे, कैथोड का काम करेगा तो इसमें रिडक्शन प्रोसेस चल रही होगी, एनोड का काम कर रहा होगा तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही होगी. तो इसकी जो खुद की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बहुत ही कम होती है, 0.00 कुछ होती है, उसको हमने जीरो अज्यूम कर लिया. तो हमें क्या बात याद रखनी है, एस ओ पी एंड एस आर पी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अज्यूम जीरो. जीरो को अज्यूम कर लिया, बहुत कम थी इसलिए जीरो के बराबर ही थी, तो जीरो मान लिया स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर. यानी कि अगर हम एच पॉजिटिव यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर लेंगे, जब हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे उस टाइम अगर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे, तो उस टाइम इसका एस आर पी और एस ओ पी दोनों ही क्या होगा, जीरो होगा. तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट ले लेते हैं. इफ एक्ट एज इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, अगर हमने इसको किसी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ मोर रिएक्टिव मेटल के इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का. कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, इसके अंदर हम एक बीकर लेते हैं. यहाँ पर हमने ये ग्लास का ट्यूब रख दिया और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने रख दिया ये प्लेटिनम वायर. ये हमारे पास प्लेटिनम वायर है और इस प्लेटिनम वायर को हमने आगे इस वायर के थ्रू
किसी दूसरे मेटल जिसका भी इलेक्ट्रोड हम मेजर करना, जिसका भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं उस इलेक्ट्रोड के साथ हमने कनेक्ट कर रखा है। जैसे हम गैलोनिक सेल बनाते हैं उस टाइम कनेक्ट करते हैं दो इलेक्ट्रोड को, तो जिसका भी हमें मेजर करना उस मेटल रोड के साथ इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। अगर ये कैथोड का काम कर रहा है तो वो एनोड का काम कर रहा होगा, और उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन। प्लैटिनम वायर का क्या काम है यहाँ पर? अब यहाँ पर एक पैसेज बनाएंगे हम, उस पैसेज का क्या काम होगा? इस पैसेज का काम होगा हाइड्रोजन गैस को बाहर और भीतर लेके जाना। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो होगी वो अंदर भी जा सकती है, अंदर भी जाएगी और अंदर बन गई तो बाहर भी आएगी, हाइड्रोजन गैस का मूवमेंट अलाउ करेगा ये पैसेज। प्लैटिनम वायर का क्या काम करेगा? प्लैटिनम वायर दो काम करेगा, एक तो ये हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करेगा। आपको पता है कि प्लैटिनम की हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर चिपका लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है? प्लैटिनम वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करेगा, लेकिन खुद किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमें पता है कि प्लैटिनम बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट अलाउ करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट अलाउ करेगा और हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करेगा। हमने फिर से देख लो, और यहाँ पर क्या किया, एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर हमने कोई भी ऐसा सॉल्यूशन भर दिया जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस पड़े हों, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयंस पड़े हों वो सॉल्यूशन हमने भर दिया। अगर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर हमने 1 मोलर ले ली, तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ये SHE, SHE या NHE भी तुमने सुना होगा, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अगर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रखी है, प्रेशर गैस का कितना ले रखा है 1 bar, और टेम्परेचर तो होता ही है हमेशा ही, टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो उन कंडीशन में ये जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है ये बन जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। एक है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और एक है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कब कहेंगे हम इसको? जब यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर होगी। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर होगी तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर प्रेशर अदर देन 1 bar होगा। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कब बन जाएगा? इसका स्टैंडर्ड कब आ जाएगा? जब इसके अंदर हम एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 bar ले लेंगे, और टेम्परेचर तो 25 दोनों ही केसेस में रहेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते दौरान हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलर पुट कर देते हैं या प्रेशर 1 bar कर देते हैं। अब यहाँ पर भी इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी दो आएंगी, एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगी और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वो तो इसकी क्या होगी? 0, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। बट जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो तो 0 नहीं होगी ना, सिर्फ SOP और SRP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही हाइड्रोजन की 0 होती है। नॉर्मल जो जनरल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालेंगे वो तो 0 नहीं होगी ना, तो वो क्या होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं लास्ट इक्वेशन का यूज करके। तो अगर हमने यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर पुट कर रखी है, अब यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन के लिए क्या हमें सिर्फ एसिड का ही सॉल्यूशन बनना है? हम कोई भी ऐसा सॉल्यूशन बन सकते हैं जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयन पड़े हो, तो एसिड का सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो किसी बेस का सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो क्या बेस के सॉल्यूशन में, अब यहाँ पर अन्योज भर दे तो अन्योज के सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन नहीं होते क्या? होते हैं, बट क्योंकि हमेशा क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा 10^-14 होगा। अब बेस का सॉल्यूशन है तो वहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एच पॉजिटिव आयन की कम होगी, बट एच पॉजिटिव आयन तो होंगे ना बेसिक सॉल्यूशन में भी। तो हमें तो क्या करना है, एच पॉजिटिव आयन चाहिए, तो यहाँ पर चाहे एसिड का सॉल्यूशन भरे, बेस का सॉल्यूशन भरे, तो ऐसा सॉल्यूशन भर देंगे जिसमें एच पॉजिटिव आयन पड़ेगा। अगर इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कैथोड का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी जिस इलेक्ट्रॉन के साथ हमने इसको कनेक्ट कर रखा है उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसकी तरफ। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें प्रोसेस क्या होगी? ये कैथोड का काम कर रहा है तो इसमें रिडक्शन होगी। रिडक्शन प्रोसेस क्या होगी? ये एच पॉजिटिव आयन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से,
तो ये जो यहाँ पर जो एच पॉजिटिव आयन पड़े हैं ये यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो एच पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा रोड से और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, रिडक्शन प्रोसेस हुई है, एच पॉजिटिव आयन फाइव टेक ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू फोर हाफ एच टू हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो भी कंसेंट्रेशन होगी हम उसको सी वन लिख सकते हैं। तो अगर ये एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन वन मोलर हुई तो हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगी उसको क्या लिखेंगे, ई नोट एच पॉजिटिव आयन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, ये एक्वस है और ये हमारे पास गैस है और साथ में हम प्लैटिनम रोड को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लैटिनम रोड का रिप्रेजेंट इसीलिए किया है क्योंकि प्लैटिनम रोड रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो अलाउ कर रही है ना, तो ये हो जाएगी, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। अगर पॉजिटिव कंसेंट्रेशन वन मोलर है तो ये क्या होगी, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने, सच्ची बना दिया और इसकी जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है रिडक्शन, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये क्या होगी जीरो। अगर यहाँ पर आयन की कंसेंट्रेशन अदर देन वन मोलर लेंगे हम, कोई भी सी वन कंसेंट्रेशन लेंगे, तो अब हम इसका रिएक्शन इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर हाइड्रोजन गैस उसकी पावर क्या हो जाएगी, वन बाय टू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन और अन की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन। तो अगर हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन अन लॉग ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन लॉग टेन ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, किसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन की, कौन सी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो तरह की होती है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका जिक्र हो रहा है रिडक्शन का, तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको मैं लिख लूँ रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन अन रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 1/2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, अन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ई एच पॉजिटिव आयन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस एंड प्लैटिनम, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, ये एक्वस ये गैस डिफरेंट फेज हो तो वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं, एस आर पी ई नोट एच पॉजिटिव आयन एच टू पी टी माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 10 ऑफ प्रेशर हाइड्रोजन गैस 1/2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होगी, ये वैल्यू तो जीरो होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जनरल रिडक्शन पोटेंशियल या नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगी, माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 10 ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 1/2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये आ जाएगा हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पी एच टू 1 bar ले लें, अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमें 1 bar दे दिया जाए, तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 bar दे दिया जाए तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एच पॉजिटिव आयन यानी कि जनरल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 10 ऑफ 1 अपॉन एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इसी को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो माइनस लॉग बन जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन क्या होता है पीएच, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पीएच, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 0.0591 ऑफ पीएच, सॉल्यूशन की जो पीएच होगी
तो सॉल्यूशन की अगर आपको पीएच दे दी जाए, एक्सपोजर एंड कंसंट्रेशन दे दी जाए तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर पीएच दे दी जाए तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अगर पर ये फॉर्मूला हम तभी पीएच वाला फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दे रखा हो 1 bar। अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 10 bar दे रखा है तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, एक्सपोजर एंड कंसंट्रेशन पुट कर लेंगे, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। We have a question. Calculate the reduction potential for hydrogen electrode of a neutral solution. If the pressure of hydrogen gas is 1 bar, hydrogen gas का pressure 1 bar दिया गया है, neutral solution बनाया गया है, हमारे पास जो hydrogen electrode है उसमें neutral solution बनाया है, और hydrogen electrode किसका काम कर रहा है? Cathode का काम कर रहा है, तो उसमें जो reduction process चल रही है, उसके हमें reduction potential निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम reaction निकले। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पूछी गई है तो हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखेंगे। तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन क्या होगी? जो एक्सपोजिट पड़े होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस में। इसको हम बैलेंस करने के लिए हाफ लगा लेते हैं, हाफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास होगी रिडक्शन हाफ इक्वेशन। इसी की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे? ई एक्सपोजिट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हाइड्रोजन गैस में, और प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर यूज कर रखा है, सॉरी ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाले, मैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाली है। इसको निकालने का भी फॉर्मूला आया था हमारे पास, जो ई नोट होगा वो तो क्या होगा, एसआर की वैल्यू तो होगी जीरो, तो -0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ लॉग टेन ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 -0.0591 एन की वैल्यू है 1। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो लॉग टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन न्यूट्रल बोला है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होती है? 10^-7 और एच नेगेटिव आयन की 10^-7। न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस का इसे बोला 1 bar, तो इसके अंदर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? -0.0591 लॉग 10 ऑफ 1 अपॉन एच पॉजिटिव आयन। हम चाहे इसी को पीएच भी लिख सकते हैं, या यहीं पर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या पुट कर देंगे? 10^-7 -0.0591 लॉग 10 ऑफ 1 अपॉन 10^-7 एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन न्यूट्रल सेल में सॉल्यूशन में, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 10^-7 का नेगेटिव लॉग 10 क्या आएगा? 7। तो -0.0591 × 7। चाहे हम इसी को पीएच में भी इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, -0.0591 लॉग 10 ऑफ 1 अपॉन एच पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगी? पीएच। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है? न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच होती है 7। तो यही हमारे पास आ गया, तो ये आ जाएगी इतने वोल्ट हमारे पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद सेकंड केस क्या है? अगर हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम कर रहा हो, एनोड का काम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब करेगा? जब हमने इसको किसी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर रखा होगा। जब हमारे पास हाइड्रोजन केस सेकंड हमारे पास क्या है? वन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। अब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, फिर से हम वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं? यहाँ पर एक हम ग्लास ट्यूब रखेंगे, इसके अंदर हम प्लैटिनम वायर लगाएंगे। इस प्लैटिनम वायर को हमने वायर के थ्रू किसी दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिस मेटल का हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर कर रहे हैं इसको रेफरेंस मान के। और अगर अब की बार ये एनोड का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, दूसरे मेटल की तरफ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा। यहाँ पर हमारे पास एक बना रखा हमने एक पैसेज, ये पैसेज जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर भी मतलब क्या करेगी? फ्लो करेगी। आउटसाइड एंड इनसाइड कैन फ्लो हाइड्रोजन गैस बाय थ्रू दिस पैसेज। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बना रखा है जिसमें एच पॉजिटिव आयन पड़े हैं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे? 1 molar। अगर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 1 molar ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अदर देन 1 molar ले लोगे तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। वैसे हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, सो जब हम क्या करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर
भी क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी वहाँ पर 1 मोलर होगी, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा। तो लेकिन अगर हमें क्या है, अगर हमने हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अदर देन 1 बार कर रखा है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी वो क्या आएगी, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी। जैसे इससे पहले हमने नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करने की नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, अब की बार हम लेंगे ये हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो क्या रिएक्शन होगी हमारे पास, रिएक्शन क्या बनी है इसके अंदर, जो हाइड्रोजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाएगी इसमें एच पॉजिटिव आयन में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ हाइड्रोजन गैस हमने लेते हैं, हाफ हाइड्रोजन गैस एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन गैस आएगी इधर, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एच पॉजिटिव आयन में। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्लैटिनम वायर के थ्रू होते हुए इस वायर के थ्रू दूसरे मेटल को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किसका काम करेगी ये, ऑक्सीडेशन का, यानी कि एनोड का। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन ये है, एनोड का काम कर रहा है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोड है किसका काम कर रहा है, कैथोड का। अगर यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हम ले लें 1 बार, और एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हम ले लें 1 मोलर, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसकी ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी क्या जाएगी, लिखेंगे कैसे, H2 गैस कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव आयन, और प्लैटिनम का हमने लगा दिया इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड है, और ये वैल्यू क्या होगी, 0। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन की क्या होती है, 0। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेशन यहाँ पर अदर देन 1 मोलर ले रखी है, कोई भी C1 कंसंट्रेशन ले रखी है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अदर देन 1 बार ले रखा है, तो वो हमारे पास जब इलेक्ट्रोड होगा वो होगा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, कैसे लिखेंगे हम, E इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, एच पॉजिटिव आयन में, और प्लैटिनम का हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा रखा है, लगा रखा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये है नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2 एच पॉजिटिव आयन प्लैटिनम, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नर्स्ट इक्वेशन -0.05591 ln log 10 अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी, क्या इक्वेशन लिखी थी हमने, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, हाफ हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू एच पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम क्या लिखना चाहें, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पावर 1/2, और अन की वैल्यू यहाँ पर भी क्या रहेगी, 1, और ये क्या होगा, 0, -0.05 91 upon 1 log 10 ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और पावर हो जाएगी 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपकी बात थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन दिया था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर भरें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या जाएगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, -10^-7, तो -0.0591 और -10 log 10 of 10^-7 न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी, -10^-7, ये वैल्यू क्या जाएगी, -7 -0.05 91 × -7, वहाँ पर क्या आई थी, +7 आई थी, ये -7 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है, अगर हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है, हाइड्रोजन गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, एच पॉजिटिव आयन में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो पीएच क्या होती जाएगी, डिक्रीज, आपसे पूछा जा सकता है। अगर किसका काम कर रहा है, एनोड का, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, पीएच क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और अगर ये कैथोड का काम कर रहा हुआ,
कैथोड का काम कर रहा होगा तो रिवर्स रिएक्शन चल रही होगी, तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वहां पर क्या होता जाएगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी और पीएच जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी के बाद हमें कोलोमल इलेक्ट्रोड का भी यूज़ करना है।